झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन, ईडी को मिला नोटों का पहाड़, मंत्री के सचिव के नौकर के घर छापेमारी, लोकसभा चुनाव के दौरान जांच एजेंसियां भी एक्टिव मोड में हैं। इसी कड़ी में झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने वीरेंद्र राम मामले में रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी ने वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। नकदी इतनी कि देखकर ही होश उड़ जाएं। नोटों की गड्डियों का ढेर लगा हुआ है, जिसे देखकर अधिकारी भी चकरा गए, जिन्हें गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने की तलाशी ले रही है। इसके अलावा ईडी की दूसरी टीम बरियातू, मोरहाबादी और बोडिया इलाके में भी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मामले को लेकर बिहार बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के सत्ताधारी दलों के द्वारा जिस प्रकार से झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया जा रहा है, फिर से आज काले धन का बरामद होना, 25 करोड़ से ऊपर राशि नगद प्राप्त होना, जिसका संबंध अवैध कमाई से है और वो कमाई सत्ताधारी दल के मंत्रियों की है, ये हम सब लोगों को मर्माहत करने वाली है। झारखंड की जनता आज अपमानित महसूस कर रही है। जिनके हाथ में सेवा करने का दायित्व तो सौंपा गया था, वो झारखंड को, झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े और सभी समाजों के लिए जो कल्याण के पैसे थे, उसको लूटने का काम किया। ये सच में हम सब लोगों के लिए बड़ा मर्माहत करने वाला है। बता दें कि ईडी ने टेंडर में कमीशन घोटाले को लेकर 22 फरवरी 2023 को झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चार्जशीट में वीरेंद्र के अलावा टेंडर मैनेजर कर अवैध कमाई करने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी दी गई थी। साथ ही यह भी बताया गया था कि किस किस को कितना हिस्सा मिलता था और किसकी क्या भूमिका थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि बरामद कैश 20 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। जानकारी के अनुसार जिन लोगों के यहाँ ईडी की रेड की जा रही है, उनमें कुछ राजनेता और अधिकारी शामिल हैं। बहरहाल देखना होगा मामले में और क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।